बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने कहा है कि ख्वातीन डायरेक्टर्स के साथ काम करने को तरजीह देते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक किंग ऑफ रोमांस के नाम से मारूफ शाहरुख खान ने एक वीडियो में ख्वातीन डायरेक्टर्स के साथ काम करने की बात की थी। इन्होंने ख्वातीन फिल्मसाजों को तरजीह देने की वजह बताई कि मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन ज़्यादा बारीक बीन और वसीउ नज़र होती हैं, वो हर जगह जाती हैं और उनकी हसासियत की वजह से अच्छा लगता है। शाहरुख खान ने मजीद कहा कि कुछ हिदायतकार अहमियत के हामिल हैं, इनमें संजय लीला भंसाली, मनी रत्नम और करण जौहर शामिल हैं, जबकि ख्वातीन भी बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनाती हैं। उनका कहना था कि मैं कई बड़े मर्द हिदायतकारों के साथ काम कर चुका हूं, मैं इनके बारे में कुछ नामुनासिब नहीं कह रहा। शाहरुख खान आखिरी बार राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में नजर आए थे, जबकि अगली फिल्म किंग है जिसमें वो अपनी साहबजादी सुहाना खान के साथ दिखाई देंगे। फिल्म किंग की अक्कास बंदी जनवरी 2025 में शुरू होगी। फिल्म को एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के डायरेक्टर संजय घोष बना रहे हैं। फिल्म 2026 में रिलीज की जाएगी।